गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर क्लासेस। आज मैं आप लोगों के बीच दोबारा से अपना टॉपिक कंटिन्यू कर रहा हूँ। मैंने कल आपको पार्टनरशिप एडमिशन के अंतर्गत किस तरीके से सवाल को बनाया जाता है उसका फॉर्मेट बताया था। आज मैं उस कंप्लीट क्वेश्चन को कैसे बनाना है आज मैं उसका तरीका आपको शो करूँगा, ठीक है। तो मैं बुक ले रखी है मैंने इस समय आपके लिए, वही खाता और लेखा शास्त्र यानी बुक कीपिंग अकाउंटेंसी की रीडर्स चॉइस वाली बुक, ठीक है। इसका क्वेश्चन नंबर 6 मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, आ और बा का जो लाभ का विभाजन 3:2 और 1:3 के अनुपात में करते थे 31 मार्च 2016 को स्थिति विवरण निम्नलिखित था। तो देखिए, आ और बा दो पार्टनर हैं, इन्होंने बोला है ए और बी, जो 2:3 और 1:3 के अनुपात में लाभानी बांटते हुए साझेदार हैं। आगे वो बोल रहा है 31 मार्च को स्थिति विवरण उनका दिया है जिसमें पूंजी आ और बा की लेनदार दोनों चीज़ें में लायबिलिटी में दे रखी हैं। संपत्ति की तरफ देखें तो भवन यंत्र संयंत्र स्कंद देनदार और रोकड़ हमें दिया हुआ है। वे 1 अप्रैल से सा को साझेदार में निम्नलिखित शर्तों पर लाने के लिए तैयार होते हैं। अब सा को लाने की जो शर्तें हैं वो समय योजनाओं में आती हैं, तो मैं आपको एडजस्टमेंट बता रहा हूँ, उन्हें ध्यान से समझेंगे। तो नया पार्टनर बन के आ रहा है सी, 7,500 रुपये पूंजी के और 3,000 रुपये ख्याति के लिए लाएगा और साझे में 1/4 भाग का भागी होगा। अब ध्यान से सुनना, सा 7,500 रुपये पूंजी के और 3,000 ख्याति के लिए ला रहा है, इन दोनों का संबंध पार्टनर्स कैपिटल से है इसलिए इसे अभी यूज नहीं करेंगे, बट 1/4 भाग का भागी होगा। तो ये हमें पता चल गया कि ये 1/4 का पार्टनर हो गया। पहली लाइन अभी ड्रॉप करते हैं। अब बढ़ते हैं रिवैल्यूएशन की तरफ। रिवैल्यूएशन की मैंने पहचान आप लोगों को बताई थी कि रिवैल्यूएशन में केवल उन्हीं लेनदेनों को लिखा जाता है जो संपत्ति और दायित्वों पर प्रभाव डालते हैं। संपत्ति और दायित्वों के मूल्यों में जो कमी आती है या जो वृद्धि आती है हम उनको लेकर चलते हैं, तो उन्हीं का इसमें लेखा किया जाता है, ठीक है। तो उन्हें अब हम लोग ध्यान से समझेंगे वो चीज़ किस तरीके से इसमें वर्क करेगी, अभी हम लोग उसे देखेंगे। जैसे स्कंद यंत्र और संयंत्र के मूल्य में 5% की कमी की जाएगी, तो जरा ध्यान दें, स्कंद यंत्र और संयंत्र, तो क्वेश्चन में हमारी दे रखी है स्कंद 10,000 का दिया है, संपत्ति है, संपत्ति के मूल्य में कमी का आना मतलब नुकसान, तो उसे हम यहाँ दिखा देते हैं। टू स्टॉक 10,000 का था, 5% कह रहा है, 500 रुपये यहाँ दिखा दीजिए। इसी तरीके से यंत्र और संयंत्र है आपका, टू प्लांट एंड मशीनरी 17,500 रुपये, इसका भी 5% के रखा है, तो देखिए 17,500 का 5% होता है 875 रुपये, इसे भी यहाँ पर दिखा दीजिए। इसके बाद अगली समय योजना है देनदारों के लिए 375 अशुद्ध ऋण का आयोजन कीजिए। अशुद्ध ऋण, डूबत ऋण, संदिग्ध ऋण कुछ भी क्या है, इससे देनदार हमेशा कम होते हैं इसलिए इन्हें डेटर में से माइनस कर रहे हैं, तो ये भी लॉस हो गया। टू प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स करके 375 रुपये यहां पर दिखा के छोड़ देंगे। भवन के मूल्य में 10% बढ़ाया जाएगा। अब भवन का मूल्य, भवन संपत्ति है और संपत्ति का मूल्य बढ़ रहा है मतलब फायदा, इसलिए क्रेडिट साइड में बाय बिल्डिंग करिए और बिल्डिंग की रकम है 25,000 रुपये, 10% कह रहा है 10/100 यानी कि 2,500 रुपये से इसे बढ़ा करके दिखा दीजिए। इतना काम करना है, समय योजना है पूरी। लास्ट लाइन है ख्याति की राशि व्यापार में रखी जाएगी, तो अभी मैंने बोला था ख्याति का संबंध पार्टनर्स कैपिटल से है इसलिए इसका यहाँ पर कोई लेखा नहीं होगा। बस अब इसका टोटल लगा देंगे, ये 2,500 रुपये आ रहा है, यहाँ पर भी 2,500 2,500 रुपये लिख दीजिए। अब ये टोटल लगाओ 8, 5, 13, 14, 15, 16, 1,750 रुपये आ रहा है ये वाला टोटल, इसे 2,500 में से घटा दीजिए, ये क्रेडिट था ये डेबिट था, डिफरेंस कर लो 750 रुपये का आ गया बैलेंस, इसे कम वाली साइड में यहाँ लिख देंगे 750 रुपये और डाल देंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू
ओल्ड पार्टनर्स, मैंने बोला था जो प्रॉफिट होता है वो ओल्ड में बढ़ता है, और ओल्ड हमारे हैं यहाँ पर ए बी और सी में, सी हमारा नया पार्टनर है और ए और बी पुराना है, तो हमने जो उठाया एस कैपिटल और बीस कैपिटल में बांट दिया। तो कैसे बांटेंगे देखो, इसे बांटने का तरीका भी समझ लो, 750 गुणा ए का अनुपात है 2/3 और 750 गुणा 1/3 है बी का अनुपात, तो ये आ गई रकम आपकी 500 रुपये और 250 रुपये, टोटल रकम बांट दी गई, हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट कंप्लीट हो गया। अगला स्टेप आता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जब हम इसकी स्टार्टिंग करते हैं तो इसे भी क्रेडिट से स्टार्ट करो। सबसे पहले नंबर पे मैंने 7 चीज़ें बताई हैं, उन्हें याद रखना है। बैलेंस बीडी, किताब से क्वेश्चन को तब पढ़ो जब अपनी रिक्वायरमेंट हो, हम उतना ही पढ़ेंगे। हमने अपनी समय योजनाओं को याद रखा है कि हमें 7 चीज़ें इसमें पूछनी है। पहले नंबर पर बैलेंस बीडी करिए और देखो पूंजी खाते का शेष दे रखा है, आ की पूंजी और बाकी पूंजी 15,000 और 10,000, तो आ के 15,000 बाकी 10,000 दिखा दीजिए। दूसरे नंबर पर मैंने बोला था रिवैल्यूएशन का आंसर, रिवैल्यूएशन आपका डेबिट है तो क्रेडिट में आंसर आ जाएगा और क्रेडिट है तो डेबिट में आ जाएगा, तो यहाँ देखो डेबिट में दिया था, इसे क्रेडिट की तरफ ले आओ, बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब रिवैल्यूएशन पे ध्यान दो, 500 रुपये इसका है और 250 दूसरे का है। तीसरे नंबर पर मैंने कहा था यदि लायबिलिटी में रिजर्व दिया हो तो वो नहीं है, पी एंड एल नहीं है, ना लायबिलिटी में ना एसेट्स में, तो कोई चीज़ नहीं है, दोनों को छोड़ दो। अगला स्टेप बाई कैश अकाउंट करके नए साझेदार ने जो पूंजी लगाई है उसे शो करो, 7,500 रुपये पूंजी लेके आ रहा है, बोला है देखो समय योजना का पहला पॉइंट 7,500 रुपये पूंजी के और 3,000 रुपये ख्याति के लिए लाता है, अब 3,000 रुपये ला रहा है यानी नगद हो गई, इसलिए यहाँ पर बाई प्रीमियम फॉर गुडविल करके कितने रुपए लाया है देखो, 3,000 रुपये ये लाया तो है सी, और बांट दो इन्हें ए और बी में, तो फटाफट 3,000 रुपये को लो 2/3 और 1/3 में बांट दीजिए, तो ये 2,000 रुपये आ जाएगी और ये 1,000 रुपये। ठीक, अगर ख्याति की राशि को इसके बाद वो कहता है फर्म से निकालने के लिए तो यहाँ पर 2 कैश करके कैंसिल की जाएगी, और चूंकि इस क्वेश्चन में उन्होंने लास्ट लाइन में कहा है ख्याति की राशि व्यापार में रखी जाएगी, निकालने को नहीं कहा है तो ख्याति नहीं निकालेंगे, बस कंप्लीट हो गया, इसका टोटल लगा दीजिए। इधर का टोटल पहले सी का लगाओ 7,500, इधर भी दिखा दो 7,500, घटाने के लिए कुछ नहीं है इसलिए 7,500 ऐसे ही लिख दीजिए। 11,250 यहाँ भी दिखाओ 11,250, ऊपर भी 11,250 का बैलेंस दिखा दो, 17,500 टोटल आ रहा है, 17,500 इधर भी दिखाओ और ऊपर कुछ नहीं है इसलिए ऐसे ही 17,500 दिखा दो। नाम दे दो इसको 2, बैलेंस सीडी, ये अकाउंट यहाँ पर कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम अगले अकाउंट पर आते हैं, अगला अकाउंट है कैश का, तो देखो मैंने कहा था पार्टनर्स कैपिटल की स्टार्टिंग बैलेंस बीडी करके कैपिटल से हुई थी, तो कैश की स्टार्टिंग भी कैश के बैलेंस से ही होगी, और जो डेबिट होता है 2 बैलेंस बीडी, और बैलेंस बीडी करके ओपनिंग बैलेंस रोकड़ का दिया हुआ है देखो संपत्ति पक्ष में 600 रुपये का, ये स्टेप फिक्स है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। अगला पॉइंट, यहाँ पर 2 न्यू पार्टनर का नाम लिखिए, सीज कैपिटल अकाउंट, नए साझेदार द्वारा दी गई पूंजी की राशि यानी 7,500 रुपये दिखाई जाएगी, यदि ख्याति की रकम वो नगद रुपयों में ला रहा है तो वो भी यहाँ दिखाएंगे, तो बोलेंगे 2 प्रीमियम फॉर गुडविल
इस क्वेश्चन में 3000 रुपये वो ख्याति के लिए लाया है। सब रकम हो गई, अब इसका टोटल लगा दीजिए, 7, 3, 10, 11,100 रुपये। ऐसे इधर भी 11,100 या 11,100 भी बोल सकते हैं, इसे बाई बैलेंस सीडी करिए और 11,100 रुपये ला करके इसे बंद कर दीजिए। यहाँ हमारा कैश अकाउंट कंप्लीट हो गया। अब इसकी मदद से रफ कर दे रहा हूँ कैलकुलेशंस को मैं, अब इसकी मदद से हम बनाएंगे बैलेंस शीट को। बैलेंस शीट लाइबिलिटी से स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन की। उसने सबसे पहले लिखी थी लाइबिलिटी में पूंजी खाते और बाकी, हम भी यहां पे लिखेंगे पूंजी यानी कि कैपिटल। उसने नाम लिखा था ए और बी, हम सी का भी लिखेंगे। हमने ए और बी की कैपिटल को उठाया यहां से और नए बैलेंस पर पहुंचे जो कि ये वाला है। इस नए बैलेंस को यहां शो कर दीजिए, 17,500, 11,250 और 7,500 रुपये, 25, 26, 36,250 रुपये। दूसरे नंबर पे उसमें दिया है लेनदार यानी क्रेडिटर्स, किसी प्रकार की कोई समायोजना नहीं है, इसलिए 32,950 रुपये अपनी जगह से प्रॉपर पहुंचेंगे। पॉइंट एसेट्स में आते हैं भवन यानी बिल्डिंग, 25,000 रुपये की थी, भवन का मूल्य में 2,500 रुपये की वृद्धि हुई थी तो जोड़ दो 2,500, ये हो गया 27,500 रुपये। यंत्र व संयंत्र यानी प्लांट एंड मशीनरी क्वेश्चन में दी है 17,500 रुपये की, समय योजना में 875 रुपये का मूल्य घटाया गया है तो -875 यह आ गया 16,625। इसके बाद आता है स्टॉक, क्वेश्चन में 10,000 रुपये का था और इसमें भी 500 रुपये की कमी की गई है तो 500 रुपये घटा दो 9,500 रुपये। इसके बाद आते हैं डेटर्स जिसकी रकम दे रखी है 4,850, इसके मूल्य में 375 रुपये की कमी की गई है तो इसमें से 375 रुपये घटा दिए जाएंगे तो ये बचेगा 4,475 रुपये। डेटर्स के बाद अगला पॉइंट दिया हुआ है कैश 600 रुपये का। अब मैं याद दिलाता हूँ, कैश को हमने यहाँ पोस्ट किया था, इसकी मदद से नया बैलेंस निकल के कितने का आया 11,100, और वो 11,100 का कैश यहाँ पर मेंशन किया जाएगा। ठीक, अब इसके बाद इसका टोटल लगा देंगे 69,200, सेम एज इस साइड का टोटल लगा लो 69,200 हमारा परफेक्ट हो गया, सही आंसर आ गया। यहाँ पर ये क्वेश्चन हमारा इसी तरीके से बनेगा। अभी मैंने आप लोगों को इसकी जनरल एंट्रीज नहीं बताई थी, ठीक है, अब मैं आपको इसकी पहले तो कैलकुलेशन बताता हूँ और फिर जनरल एंट्री भी बताऊँगा, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। अगर हम पार्टनर्स का प्रॉफिट रेशियो दे रखा है तो हम कहेंगे कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट रेशियो, ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट रेशियो, इसे निकालने के लिए कहेंगे रिमेन रेशियो, 1-1/4 इज इक्वल टू 3/4, इस 3/4 का होल्डर हो गया ए और बी। अब क्या करेंगे, हम ए और बी को यही निकाल देते हैं आपके सामने, तो ए बराबर 3/4 मल्टीप्लाई ए का अनुपात है 2/3, तो 3 × 2 = 6, 4 × 3 = 12, और बी बराबर 3/4 × 1/3, तो 3/12। अब ए भी मिल गया, बी भी मिल गया, इसलिए C बराबर
वन माइनस ब्रैकेट सिक्स बाई ट्वेल्व प्लस थ्री बाई ट्वेल्व। अब छः और तीन नौ हो गए, बारह में से नौ घटाए तीन बच गया, तो थ्री बाई ट्वेल्व आ गया। यानी कि ए बी सी का मतलब हो गया छः तीन तीन, यानी दो एक एक। ये हमारा न्यू प्रॉफिट रेशो आ गया। यहाँ तक न्यू प्रॉफिट रेशो क्लियर हो गया। अब अगर कभी क्वेश्चन में वो कहता है इनके लिए आवश्यक जर्नल में लेखा करो, तो इसकी जर्नल एंट्री भी हमें बनानी पड़ेगी। तो मैं आपको इसी पॉइंट से जर्नल एंट्री बता रहा हूँ, बैलेंस शीट रफ कर देता हूँ, इसी के थ्रू मैं आपको एंट्री समझाऊंगा। इसे ध्यान से समझते रहना, एंट्रीज बहुत आसानी से समझ में आ जाएंगी अगर आपने जर्नल एंट्री सीखी है। तो देखते हैं जर्नल एंट्री। अब मैं बोल देता हूँ ये बात, कभी कभी क्वेश्चन में जनरल पूछता है, कभी क्वेश्चन में जनरल नहीं पूछता है, तो पूरा का पूरा एक साथ करने को नहीं आएगा, या तो जनरल आएगा या लेजर आएगा। तो जनरल में आते हैं, तो सबसे पहले हम रिवॉल्यूशन की एंट्री बनाते हैं। तो देखो इन सारे हेड्स के लिए एक ही एंट्री बनेगी रिवॉल्यूशन की। ये डेबिट साइड में पोस्ट हुए हैं और ये क्रेडिट में पोस्ट हुए हैं, तो इसलिए एंट्री बनाएंगे पहली रिवॉल्यूशन अकाउंट डेबिट टू, क्या क्या चीजें हैं, स्टॉक टू, प्लांट एंड मशीनरी और टू प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स। तीन चीजें रमत। अब इसके अमाउंट देखो 500, 875 और 375, 1750 रुपये। नरेशन बीइंग रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स, ये एसेट्स का रिवैल्यूएशन हो गया। दूसरी एंट्री अगर यहाँ लाइबिलिटी होती कोई सी भी, तो वो भी लिख देते बीइंग रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटी। अब यहाँ देखो यहाँ बिल्डिंग का मूल्य फायदा दे रहा है, इसलिए उल्टा कर दो एंट्री को, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट बीइंग रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स। दोबारा से अगर लाइबिलिटी होती तो लाइबिलिटी भी दिखाते, ठीक। अब इसको करने से नुकसान हुआ या फायदा हुआ, तो देखो फायदा हुआ है तो एंट्री बना देंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट डीआर टू ए और टू बी। अब यहां पर ए इज कैपिटल, बी इज कैपिटल अकाउंट बनाना चाहो तो पूरा लिख देना। 750 रुपए का था, सॉरी ये रकम थी 2500 रुपए, 2500 और ये रकम आ गई आपकी 750, 500 और 250। ए ने 500 दिए, ए को 500 मिले और बी को 250, तो दोनों रकम आ गई। बी रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रॉफिट, वरना पूरी नरेशन बीइंग रिवॉल्यूशन प्रॉफिट एलोकेटेड या बीइंग रिवॉल्यूशन प्रॉफिट ट्रांसफर टू ए एंड बी सिंपल सो ऑन। चौथी एंट्री रिवॉल्यूशन कंप्लीट। अब एंट्री बनती है पूंजी लाने की और ख्याति लाने की, तो हम अपनी कॉमन एंट्री जो मैंने लिखवाई है वो लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू सी कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। देखो 7000 की कैपिटल ला रहा है और 3000 की गुडविल, 7500 की कैपिटल ला रहा है और 3000 की गुडविल, तो टोटल हो गया 10500 रुपये। नरेशन इसकी नहीं लिख रहा हूँ, ये नरेशन आप पहले कर चुके हैं। पांचवी एंट्री ख्याति की रकम जो वो लाया है वो साझेदारों में बांटी जाती है। ख्याति लाने की एंट्री थी कैश टू प्रीमियम, अब प्रीमियम की रकम को बांटना है, तो बोलेंगे प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट टू एस कैपिटल और टू बीस कैपिटल अकाउंट। यानी 3000 की ख्याति को लो, 2000 ए को दे दो और 1000 बी को दे दो। ये वाली अमाउंट से पोस्ट कर दी,
बस यही एंट्री हमें पोस्ट करनी है, इसके अलावा और कुछ नहीं। इन 5 एंट्रीज में क्वेश्चन का पार्ट कंप्लीट हो गया, इसके आगे कुछ भी नहीं है। आशा करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, और इसकी स्केच पीडीएफ मैं आप लोगों को अपने व्हाट्सएप ग्रुप में डालूँगा, वो आप लोगों को मिल जाएगी। अगर किसी भी प्रकार की कोई समस्या आप लोगों को आती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और क्वेश्चन इसके आगे के 3 क्वेश्चन हम लगभग क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 8 हम ये तीनों क्वेश्चन आसानी से कर सकेंगे। धन्यवाद।